तक मंडी की बात है, स्वाभाविक है क्योंकि यहाँ से सिटिंग एमपी है, तो निश्चित तौर से ऐसा लगता है कि वही लड़ेंगी। जो प्रक्रिया है वो फॉलो होगी, पहले जो आपकी पीईसी की मीटिंग होती है वो होगी, उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग होगी, उसके बाद नाम जो है वो तय होंगे। मगर जहाँ तक मंडी की बात है, स्वाभाविक है क्योंकि यहाँ से सिटिंग एमपी है, तो निश्चित तौर से ऐसा लगता है कि वही लड़ेंगी यहाँ से। बाकी जो और जो तीन संसदीय क्षेत्र है वहाँ से जो पार्टी हाईकमान उनको उस पर हरी झंडी देगी।